नमस्कार, वेलकम टू माय जीएस केयर चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं बच्चों की ग्रोथ जो है दोगुनी हो जाएगी। कुछ चीज आपको खिलाना पड़ेगा, आप बच्चे आपके बच्चे की हाइट कम हो रही है, तो इसके लिए आपका वीडियो जो है आज का वीडियो बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं 5 कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थ मैं बताऊंगा जो कि आपके बच्चों का हड्डियों और दांत जो है बहुत मजबूत कर देगा। जी हाँ, हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है तेजी से बढ़े, ग्रोथ करें, मजबूत और स्वस्थ बने, लेकिन बदलते समय और खान पान की आदतों के कारण हमारे बच्चों का सही ढंग से विकास नहीं हो पाता है और उनका सही ढंग से पोषण नहीं मिल पाता है। कैल्शियम जो है बच्चों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण रोल रखता है। माय डियर फ्रेंड्स, यह ना केवल उनकी हड्डियां और दांतों को मजबूत बनाता बल्कि उनकी मांसपेशियां, नसों और हार्मोन के विकास में भी मदद करता है। जी हां, क्या आप जानते हैं कैल्शियम की कमी जो है बच्चों के विकास को धीमा कर सकता है। अगर सही समय पर कैल्शियम से भरपूर आहार अपने बच्चों को आपने नहीं दिया तो आपके बच्चे की ग्रोथ जो है रुक जाएगी, आपके बच्चे का ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जी हाँ, आपके बच्चे की हाइट जो है वो कम हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, अगर बात करें तो आमतौर पर बच्चे ऐसी चीज जो है खाने से बचते हैं जो उनकी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इस वजह से माता पिता को यह चिंता होती है कि उनके बच्चे को पर्याप्त पोषण कैसे मिलेगा। बिल्कुल बात भी सही है। तो आप तो बताऊंगा, देखो कैल्शियम हमारे बच्चों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। कैल्शियम जो है बच्चों के शरीर में कई अहम भूमिकाएं निभाता है। हड्डियां और दांतों को मजबूत बनाता है, मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के कार्यों को सही बनाए रखता है, ये हार्मोन के निर्माण और संतुलन को बनाए रखता है, बच्चों के कद और वजन में वृद्धि करता है। ये बच्चों के विकास के दौरान कैल्शियम की आवश्यकता जो है बहुत ज्यादा होती है मेरे दोस्त। यह जरूरी है कि सही उम्र में कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा दी जाए ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास सही तरीके से हो जाए। जी हाँ, अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या है। अब सवाल उठता है कि कौन से खाद्य पदार्थ कैल्शियम से भरपूर है और बच्चों के लिए फायदेमंद हो सकता है। यहां हम आपको 5 बेहतरीन कैल्शियम के खाद्य पदार्थ बताने वाले हैं जो आपके बच्चों की ग्रोथ को दोगुना कर देगा। सबसे पहला है दूध और डेयरी उत्पाद। देखो, दूध जो है कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत होता है। जी हाँ, यह बच्चों की ग्रोथ को सपोर्ट करता है और उसकी हड्डियां को मजबूत बनाता है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, कैसे देना, देखो हर दिन 1 गिलास दूध जरूर पिलाना है। पनीर, दही और छाछ को भी उनके आहार में धीरे धीरे छोटे छोटे रूप में आप शामिल कर सकते हो। चीज और मक्खन जैसे डेयरी उत्पाद जो है बच्चों को शौक से खिलाना चाहिए। जी हाँ, एक शोध के अनुसार जिन बच्चों का रोजाना दूध का सेवन नियमित होता है उनकी हड्डियां तकरीबन 15% अधिक मजबूत होती है। जी हाँ, उसके बाद है बच्चों को पालक, मेथी, सरसों का साग, हरी सब्जियां, कैल्शियम जो है इसको देना चाहिए क्योंकि ये कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत होता है। ये ना केवल आपके बच्चों की हड्डियों को मजबूत करता है बल्कि पाचन और इम्यूनिटी सिस्टम को भी बेहतर बनाता है। देखो कैसे देना है, बच्चों को पालक का जूस, बच्चों को पालक का सूप, बच्चों को पालक का पराठा बना कर दे, सब्जियों को स्वादिष्ट बनाकर आपको बच्चों को खाने में दें। पालक और पनीर की ग्रेवी उनके लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार होता है। हाँ, उसके बाद सफेद तिल या बादाम। तिल और बादाम कैल्शियम के साथ साथ विटामिन ई और मैग्नीशियम का भरपूर स्रोत होता है जो हड्डियों को मजबूत और दिमाग को तेज बनाता है। जी हाँ, कैसे देना है, सफेद तिल को रोटी या पराठे पर छिड़क कर दें, बादाम को रात भर भिगोकर सुबह खिला दें बच्चों को। बच्चों को तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर खिलाना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, एक स्टडी में यह पाया गया है कि तिल और बादाम खाने वाले बच्चों की ग्रोथ जो है सामान बच्चों की तुलना में 12% अधिक होती है। जी हाँ, उसके बाद अंडा। माय डियर फ्रेंड्स, अंडा ना केवल प्रोटीन का बल्कि कैल्शियम का भी बेहतरीन स्रोत होता है। यह बच्चों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और हड्डियों की ग्रोथ को तेजी से करता है। कैसे देना है, बच्चों को रोजाना एक अंडा जरूर खिलाना चाहिए। उबला हुआ अंडा या आमलेट या अंडे का पराठा या उनके टिफिन के लिए सबसे बेहतरीन स्रोत है। जब बच्चा स्कूल जाए उसके टिफिन में डाल दो। उसके बाद है सोयाबीन और टोफू। सोयाबीन और उससे बने उत्पाद जैसे कि टोफू कैल्शियम से भरपूर स्रोत होता है। यह बच्चों की ग्रोथ
ग्रोथ को तेजी करता है और उनके दिमाग को बूस्ट करता है। बच्चा जो भी याद करेगा उसको जल्दी याद होगा। हाँ, बहुत मजबूत बनाएगा। कैसे देना है? टोफू को सब्जियों के साथ भून कर देना चाहिए, सोयाबीन को उबाल कर स्नैक्स के रूप में बच्चों को खिलाना चाहिए। जी हाँ, बच्चों को सूरज की रोशनी में खेलने देना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी जो है कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। बच्चों को जंक फूड और सॉफ्ट ड्रिंक से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये हड्डियों को खोखला कर देता है, ये हड्डियों को मजबूत बनाने के बजाय कमजोर कर देता है। आपका बच्चा का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, आपका बच्चा कमजोर हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, तो आपने जाना कि हम अपने बच्चों को कैसे देखभाल कर सकते हैं। आज का वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।